स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजीता पठारे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। एक के बाद एक कई परतें खुलती जा रही हैं। वहीं अब महाराष्ट्र सरकार इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही सुशांत के परिवार पर भी कमेंट कर रही है महाराष्ट्र सरकार। अब इस संवेदनशील मुद्दे पर सियासत तेज होने लगी है। नेता बदजुबानी पर उतर आए हैं, ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत हो, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार हो या फिर एनसीपी के नेता माजिद मेमन हो, सभी ऐसा कुछ कह चुके हैं जो सुशांत के परिवार और उनके फैंस बर्दाश्त नहीं कर पाए। पता नहीं ये लोग क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि महाराष्ट्र सरकार सुशांत सिंह मामले की जांच से इतना बच रही है। यदि कोई बात नहीं है तो फिर सुशांत के परिवार वाले या उनके फैंस के अनुसार जांच होने देनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होने दिया जा रहा है यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार का कहना है कि उन्हें इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही उनका यह भी मानना है कि इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। वहीं उनके पोते यानी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार एनसीपी से उलट कुछ और ही राग अलाप रहे हैं। उनका कहना है कि सुशांत सिंह की मौत की सीबीआई जांच की जानी चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, वहीं इनके दादा यानी शरद पवार का कहना है कि इस मामले में सीबीआई जांच की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने पोते के ऐसे बयान पर भड़के शरद पवार अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और मीडिया में अपने पोते के खिलाफ बयान दे दिया। पोते को अपरिपक्व बता दिया, कहा कि ऐसे बयानों को मैं कौड़ी भर की भी तूल नहीं देता। उन्होंने कहा, मुझे मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा है, मैं मुंबई पुलिस को 50 साल से जानता हूँ। जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी चर्चाएं की जा रही है वह सही नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, किसी ने आत्महत्या कर ली लेकिन कोई किसान की खुदकुशी की चर्चा नहीं कर रहा है। यानी उनका कहना यह है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है उसको ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। मीडिया वाले उसको बहुत बता रहे हैं लेकिन किसानों की खुदकुशी की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो उन्हें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा किसान तो महाराष्ट्र में ही आत्महत्या करते हैं, और महाराष्ट्र में तो इस समय अगाड़ी की सरकार है और उस अगाड़ी की सरकार में शरद पवार भी हिस्सेदार बने हुए हैं। तो ऐसे में तो फिर उनकी सरकार में किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की जानी चाहिए, किसी भी किसान को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शरद पवार के पहले उनकी पार्टी के माजिद मेमन ने भी सुशांत सिंह राजपूत का अपमान करते हुए कहा कि सुशांत अपने जीवन काल के दौरान उतने प्रसिद्ध नहीं हो पाए जितने अपनी मौत के बाद हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से कहीं ज़्यादा मीडिया सुशांत को स्पेस दे रहा है। जब कोई अपराध जांच चरण में होता है तो गोपनीयता को बनाए रखना पड़ता है, महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र करने पड़ते हैं। इस प्रक्रिया में पहलू को सार्वजनिक करना सच्चाई और न्याय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ये कहना था एनसीपी के मेनन का। अब ये बताइए कि अगर आपको इस केस से कोई लेना देना नहीं है, इस केस में आपके कोई भी इंसान फंसे हुए नहीं है, महाराष्ट्र सरकार का कोई भी व्यक्ति इस केस से संबंधित नहीं है, तो आपको इतना ज़्यादा क्यों फर्क पड़ रहा है कि मीडिया क्या दिखा रही है और मीडिया क्या छुपा रही है? मीडिया तो सच्चाई बता रही है और उस सच्चाई से आप क्यों भाग रहे हैं? ऐसे ही एनसीपी के अलावा ऐसे शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि सुशांत के परिवार का उन्होंने तो घनघोर अपमान कर दिया। उन्होंने तो अपने सुशांत को तो ठीक है, उनके पिता को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि सुशांत घर नहीं जाते थे, वे अपने परिवार वालों से खुश नहीं थे क्योंकि सुशांत के पिता की दूसरी शादी हुई थी। ये शादी से सुशांत खुश नहीं थे। अब सुशांत की मौत को नया मोड़ देने के लिए कई सारी थ्योरी लिखी जा रही है और ये इशारा कर रही है कि महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती है कि सच्चाई सबके सामने आए। महाराष्ट्र सरकार से यदि नहीं हो पा रहा है तो मामला तो वैसे भी सीबीआई के पास जांच के लिए पहुंच गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को बचाने के लिए या सच को छिपाने के लिए कोई और कहानी गढ़ी जाए। जो भी गढ़ी जा रही है, एक के बाद एक नई चीज़ें सामने आ रही हैं। सुशांत के ऐसे कोई दोस्त भी हैं जिनका हम सामने से नाम तो ही नहीं लेंगे, लेकिन जो पहले सुशांत सिंह की हत्या को आत्महत्या नहीं कह रहा था, पहले इसको हत्या कह रहा था, और अब वो
मुड़ गए हैं और उनका कहना है कि ये आत्महत्या है, मीडिया में से ज़्यादा उछाला जा रहा है। सच्चाई क्या है ये तो सबके सामने आ जाएगी क्योंकि मामला सीबीआई के पास पहुंच चुका है। अगर कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो इतनी तड़प किस बात की, इतनी झटपटाहट किस बात की। सब कुछ सामान्य है तो सब कुछ सामान्य तरीके से जांच भी होनी चाहिए और जांच होने के बाद ही शायद कुछ ऐसा सामने आने वाला है या किसी ऐसी चीज़ को छिपाने की कोशिश कर रही है महाराष्ट्र सरकार जो सबके सामने नहीं आना चाहिए। इसीलिए इतने सारी चीज़ें सामने आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री तक ये बयान दे चुके हैं कि हमें सीबीआई जांच नहीं करवानी है। अगर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती तो वे सबसे पहले सामने आकर कहते कि हमें सीबीआई जांच से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि सीबीआई जांच के बाद क्या नई बात सामने आती है, क्योंकि अभी तो ईडीआई की जांच चल रही, ईडी की जांच के बाद सीबीआई की जांच शुरू होगी और इस जांच के बाद ही सुशांत के परिवार वाले और सुशांत के फैंस राहत की सांस ले पाएंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही था, ऐसे ही वीडियोज़ की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ सिंह के साथ। थैंक यू।